हुसैन, ये किस खुशी में है? शो ऑन एयर हुआ है उसकी खुशी में। काफी अच्छा केक है। थैंक यू। काटो ना, आखिर इतना बड़ा शो किया है, चैनल की हिस्ट्री में पहली बार न्यूज क्लॉक की ब्रेक तक नहीं ली। नहीं 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 मामूली शो नहीं था। हुसैन, तुम फिर से वही चीजें स्टार्ट कर रहे हो। मैं केक लेके आई हूँ हमारी खुशी सेलिब्रेट करने के लिए। हमारे रिलेशनशिप को मैं एक मौका देना चाह रही हूँ और तुम फिर से वही तंस के तीर चला रहे हो मुझ पर। नो व्हाट मिशाल, एक रिलेशनशिप में ना अंडरस्टैंडिंग मैटर करती है। तो वो अंडरस्टैंडिंग का बोझ सिर्फ मेरे कंधों पे क्यों है? वो तुम क्यों नहीं ट्राई करते? कर तो रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी तरह फुली कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। गलत कर रहे हो, जजमेंटल हो रहे हो लोगों को लेके। और जरूरी नहीं कि तुम हर बार ठीक हो, लेकिन तुमसे बात करना, बहस करना बेकार है। इसलिए जो भी तुम्हें सोचना है, समझना है, वो तुम समझते रहो। जो मुझे करना है मैं वो करूंगी। सर, सर क्या है? आ गए तुम अपनी मनहूस शक्ल लेकर, या फिर तुम्हारी शक्ल ही ऐसी हो गई है? सर, वो आबिद की बेल कैंसिल हो गई, उसको रिमांड पे भेज रहे हैं। भाड़ में जाए आबिद, तुम्हारा क्या लेना देना उससे है? मेरे पास इस वक्त परेशान होने के लिए और भी बहुत सारी चीजें। आबिद, ये तू देख किस तरह रहा है मुझे? कैसे देख रहा है? आंख नीचे कर, आंख नीचे कर। सॉरी बॉस। तुम्हें इस वक्त ये फिक्र होनी चाहिए कि रंधावा के साथ हमारे 20 टेक्स जुड़े हुए हैं। हमारी गर्दनों के इर्द गिर्द ऐसे ऐसे रस्सी टाइट हो रही है, और तुम्हें फिक्र हो रही है सिर्फ और सिर्फ अपने स्टूपिड दोस्त आबिद की। तुम जैसे सड़क छाप लड़कों को मैं जमीन से उठाकर आसमान पे बिठा देता हूं, लेकिन तुमसे एक काम नहीं होता। तुमसे मैंने कितनी बार कहा कि वो नंबर, उसकी इंफॉर्मेशन, उसके पीछे कौन है, ये सब मुझे चाहिए। मेरे पास इस वक्त एक घंटा है, एक घंटे के अंदर तुमने मुझे वो सारी इंफॉर्मेशन देनी है, समझे? समझे? इधर आओ, आंख ऊपर करो। सर, पूरे सोशल मीडिया पे इस वक्त रंधावा पे बात हो रही, तस्वीरें घूम रही। सर, बहुत बड़ा नुकसान है पार्टी को भी और हुकूमत को। अभी तो आपको इस्लामाबाद से फोन आ जाना। सर, हमारे पास सिर्फ एक हल है इस दबाव को खत्म करने का, कि हम रंधावा के खिलाफ इंक्वायरी का ऐलान कर दें। हमारे पास और कोई हल नहीं है सर। देखिए, हमारी तो पार्टी का मंशूर ही ये है कि हम करप्शन के खिलाफ काम करते हैं, और अब हमारे ही मिनिस्टर्स पे इतराजात उठने शुरू हो जाएंगे तो क्या करेंगे सर? आप बिस्मिल्लाह करें सर, मैं इंक्वायरी की खबर चलवाता हूँ। आप फिक्र नहीं करें सर, मैं देख लूंगा जी। अंदर आओ। जी सर, असमत को बुलाओ।
ملازم یہاں پر آپ کو خبر دیں گے کہ صوبائی حکومت نے وزیر ماحولیات کے خلاف کرپشن کے مبینہ الزامات کی انکوائری کا فیصلہ کیا ہے۔ انتہائی اہم خبر کے حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، وزیر ماحولیات کے خلاف کرپشن کے الزامات کی وجہ سے صوبائی حکومت نے انکوائری کا فیصلہ کیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جاننے کے لیے ہمیں جوائن کر رہی ہیں سینئر اینکر پرسن تجزیہ کار مشال جمیل۔ مشال، اس حوالے سے اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی کاشف، ہمارے ذرائع کے مطابق صوبائی وزیر ماحولیات رندھاوا صاحب پر کرپشن کے مبینہ چارجز کی انکوائری کے لیے ایک ہائی پاور کمیٹی بنائے جانے کا امکان ہے۔ کمیٹی اپنی یہ رپورٹ جلد از جلد حکومت کو پیش کرے گی، جس کے بعد رندھاوا صاحب پر کاروائی کیے جانے کا امکان ہے۔ بہت شکریہ مشال، آپ اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھی۔ اسی کے ساتھ ہی فی الوقت اتنا ہی، مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے 24/7 لیٹسٹ۔ سر کیا یہ؟ سر وہ نمبر جس کا آپ نے پتہ کرنے کو بتایا تھا پتہ چل گیا۔ کیا نام ہے اس کا؟ کسی ظہور کے نام پہ، ظہور مشتاق۔ ہاں، کسی ظہور کے نام پہ، ظہور مشتاق۔ ادھر ادھر جلدی کر۔ شاباش شاباش، ویل ڈن۔ انکوائری چل رہی ہے، اس میں بڑے پیمانے پہ بے ضابطگیاں سامنے آ رہی ہیں۔ عوام کا پیسہ کھایا نہیں جا رہا، بلکہ دونوں ہاتھوں سے لوٹا جا رہا ہے۔ لیکن خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ اس وقت جو حکومت اقتدار میں ہے، وہ سب سے پہلے اپنا گھر ٹھیک کرنا چاہتی ہے۔ یہ میرے خلاف ایک سازش ہے، مجھے بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پارٹی کے اندر قبضہ گروپ ہے جس کے ایما پر سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ رندھاوا صاحب، آپ پھر ان عناصر کا نام کیوں نہیں لیتے؟ کیا نام لوں نوید صاحب، سب کو پتا ہے اس کے پیچھے حاکم خان ہے، صرف حاکم خان۔ آخر حاکم خان آپ کے پیچھے یوں ہاتھ دھو کے کیوں پڑیں گے؟ کیونکہ ہم پارٹی کے پرانے وفادار ہیں اور یہ گھس بیٹھیے پارٹی پر قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہ میں ہونے نہیں دوں گا۔ اور حاکم خان تو خود کو آنے والا سی ایم دیکھ رہا ہے۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا کس طریقے سے ایک نیا مسئلہ، ایک نیا معمہ ہم تمام لوگوں کے سامنے آ گیا ہے۔ ویسے یہ بالکل ہی ایک عجیب سی، مایوب سی بات ہے کہ جس پارٹی کا بھی حاکم خان صاحب حصہ بنتے ہیں، اس پارٹی کو ہائی جیک کر بیٹھتے ہیں۔ آخر حاکم خان صاحب کے پاس ایسا کیا ہے؟ اس سب پہ ہم بات کریں گے، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں۔ بریک کے بعد تب تک دیکھتے رہیے پاکستان ایٹ 10 وتھ نوید خان۔ ابھی میں ایک اور فائل بھیج رہا ہوں، اسے سٹڈی کرو اور رندھاوا کی کرپشن پہ شو کرو، ننگا کر دو اس کو۔ سر سب کچھ تو کھول کے رکھتی ہے، اب اس سے آگے کیا کریں؟ سر رندھاوا کے بیوی بچوں کی بیرون ملک پراپرٹی کا انکشاف کرو، اور قیمت جتنی بڑھا کے بتا سکتے ہو بتا دو۔ کیا مطلب سر؟ $300 بلین سے $1000 بلین تک۔ سر اتنی زیادہ اماؤنٹ؟ کوئی نہیں پوچھے گا، بھوک کی ترسی ہوئی عوام جو ہے نا، اس کو کرپشن کی جو بھی کہانی سناؤ گے وہ نہ صرف اس پہ یقین کر لے گی، بلکہ اپنی بھوک کے غصے میں جواب بھی مانگے۔ لیکن سر جو کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ ٹھیک ہے سر۔ حاکم ہم سے اور سٹوریز چاہ رہا ہے، اس کے خیال میں یہ کام ہے۔ ویسے بھی رندھاوا صاحب نے جتنا قومی خزانہ لوٹا ہے، اب اس کے حساب کا وقت آ گیا۔ ہاں لیکن اس سب سے ہم کہیں اپنی کریڈیبلٹی تو لوز نہیں کر دیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ حاکم سارے ثبوت میرے ساتھ شیئر کرے گا، اور ویسے بھی یار اس کے بہت احسانات ہیں، کہیں نہ کہیں تو برابر کرنے ہی ہے نا۔ یار حسین، if you don't mind, ہم دونوں ایک امپورٹنٹ میٹنگ کر رہے ہیں،
थोड़ी देर के बाद ज्वाइन कर लेते हो? हाँ हुसैन, बाद में मिल लेते हैं, बल्कि बाय द वे वो हमें कंटेंट को भी डिस्कस करना है। अब हम टारगेट करेंगे रंधावा की फैमिली को। तो नाजरीन, अभी अभी जराए से हमें ये मालूमात मिली है कि बैरून मुल्क रंधावा साहब की बीवी और बच्चों के नाम पे कुछ प्रॉपर्टी मिली है जिसकी मालियत 300 मिलियन डॉलर्स है। जी हाँ, 300 मिलियन डॉलर्स बैरून मुल्क किस तरह से मुंतकिल हुए, क्या इस रकम के लिए रंधावा साहब जवाबदेह हैं, और ये रकम और असासे उन्होंने अपने इनकम टैक्स कोशवारों में क्यों नहीं डिक्लेयर किए, ये सब बातें जानेंगे एक ब्रेक के बाद। काट विशाल, ये जो तुम फिगर्स दे रही हो, ये कहाँ से मिले हैं? इसका किसी ने सबूत मांग लिया फिर क्या करेंगे? हुसैन, मेरे भी सोर्सेज हैं, तुम इस बात की फिक्र मत करो। विशाल, मैं शो का प्रोड्यूसर हूँ, इसमें क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए जा रहे हैं मुझे पता होने चाहिए। तो फिर इस बारे में बात शो के बाद करें। और जितनी रकम ये बता रहे हैं, मैं कसम खा के कह सकता हूं कि हाकिम खान इन वर्ड्स में ये रकम मुझे लिख के दिखा दे, मैं मान जाऊंगा उसको। रंधावा साहब, अगर वो ना भी लिख सके तब भी इल्जाम आप पे ही रहेगा। और नवीद साहब, उससे तो गिनती की अलिफे तक नहीं आती है। और रही बात असासों की, और ये असासे जब मेरे हैं ही नहीं तो मैं क्या डिक्लेयर करूं आप बताएं मुझे। वेरी इंटरेस्टिंग। नवीद और उसकी बीवी ने भी इस गंगा में हाथ धोए, अब उनके भी नाम लेने शुरू कर दो। सर कुलीग है, नाम लेने डायरेक्ट जरा मुश्किल हो जाएंगे। अच्छा, तो ना करो डायरेक्ट, इशारियां से ला दो। ठीक है सर, इशारों में कुछ कर लेंगे। हमारे जराए ने यह भी इंकशाफ किया है कि इन तहकीकात में कुछ सहाफियों का नाम भी आया है जिन्होंने अपने अहले खाना के नाम पर कंपनियां खोलकर माल खाया। अब जाहिर है, जब इन सहाफियों के गले पर हाथ पड़ेगा तो आजादी सहाफत पर हमले का शोर तो उठेगा। सर, सब लोग अच्छी तरह जानते हैं कि ये कैंपेन मेरी बेगम के पास थी। अब मेरा ही चैनल अगर मेरे खिलाफ चलेगा तो फिर मैं किस मुंह के साथ अपने चैनल को रिप्रेजेंट करूंगा? इनफ इज इनफ सर, समझे? सर, आपको इस मामले में कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, लेकिन मतलब ये क्या? शो की रेटिंग्स है। मैं इसका क्या करूं? हमारे शो की रेटिंग उठ ही नहीं रही। अब वो जो लड़की है, वो दिन ब दिन पता नहीं उसका शो कहां से कहां जा रहा है। बॉस क्या कर सकते हैं, उसका टाइम स्लॉट हमसे पहले है। वो अपने शो में बैठ के रंधावा साहब की करप्शन के पहाड़ खड़े कर रही है और हम उसे खुरच खुरच के खत्म करने की कोशिश करते हैं। रेटिंग कैसी आएगी यार? तुमने ग्राफिक्स देखे? स्टोरी को प्रेजेंट करने का तरीका देखा है तुमने? तुम्हें 3 कैमरा शूट मिली हुई है, तुम सादा सादा बैठ के सिर्फ स्विच करने वाले हो क्या? कोई नई चीज नहीं कर सकते तुम? कुछ कर लिया करो यार। ओके बॉस, करता हूँ कुछ।
आज मुसलसल चौथा शो है रंधावा के खिलाफ। आखिर हम बार बार इसी टॉपिक पे क्यों बात कर रहे हैं? और अब हमने नवीद साहब की मिसेस पे भी बात करना शुरू कर दी है। हुसैन, हम वही बात कर रहे हैं जो आवाम देखना चाहती है। और क्या है ये जो लोग देखना चाहते हैं? कोई ऑडियंस पोल है हमारे पास? हाँ, ये जो रेटिंग्स आती हैं वो ऑडियंस पोल्स ही होते हैं। शायद तुम्हें नज़र नहीं आ रहे। आ रहे हैं नज़र, रेटिंग चार्ट्स भी नज़र आ रहे हैं, इनमें छुपे हुए एजेंडे भी। शायद तुम्हें नज़र नहीं आ रहे, या फिर शायद तुम देखना नहीं चाहती। रियली? कौन से एजेंडाज हैं बताओ, मैं भी तो सुनूं। नवीद, कॉफी। थैंक यू। क्या सोच रहे हो? सारे ताने बाने मिलाकर सोच रहा हूं कि ये सब क्यों हुआ और कैसे हुआ। यह हाकिम खान बदला ले रहा है तुमसे और अजीज से। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे लग रहा है हम लोग खाम खा उसके चक्कर में आ गए। उसका असल शिकार कोई और है। तुम्हारा सोर्स भी खामोश है। काफी दिनों से वो चुप है, हालांकि मैंने उसे मैसेजेस भी भेजे हैं और वॉइस नोट्स भी भेजे हैं। लगता है ना उसने मेरे मैसेजेस पढ़े और ना ही वॉइस नोट सुने। मुझे तो फिक्र होने लगी है, पता नहीं इसका क्या अंजाम है। तानी, तुम फिक्र ना करो, मैं सोच रहा हूं कि तुम कुछ दिनों के लिए यहां से कहीं बाहर चली जाओ। क्या मतलब? मतलब यह कि तुम कुछ दिनों के लिए लंदन चले जाओ, वहां तुम अपने भाई से भी मिलोगी और प्रॉपर्टी के मामलात को भी देख लोगी। और जब यहां मंजरनामा क्लियर हो जाएगा तो फिर मैं तुम्हें वापस बुलवा लूंगा। तुम ऑफिस नहीं जा रहे? बस अभी थोड़ी देर में निकलूंगा। तुम ऑफिस जा रही हो? हाँ, बस निकल रही हूँ, एक दो काम है वही करते हुए जाऊंगी। देख के जरा एहतियात से जाना। तानिया सुनो, रात को जिस बारे में मैंने तुमसे बात की थी उसके बारे में कुछ सोचा? लंदन जाने के बारे में? यस। शाम को करते इस बारे में बात। हेलो, क्या बकवास कर रहे हो? तुमने वारंट के बारे में पूछा था उनसे? तानिया, तानिया किसका फोन था? तानिया, मैं तुमसे पूछूं किसका फोन था? ऑफिस पे एंटी करप्शन वाला का छापा पड़ गया, तमाम रिकॉर्ड कब्जे में ले लिए। ये छापे की खबर आपके चैनल पे आनी चाहिए। सर, एक तो वो कुलीग है हमारा और दूसरा हमारे चैनल का बड़ा एंकर। अजमत साहब, सबसे ज्यादा सरकारी इश्तहार आपके ग्रुप को मिल रहे हैं। आपका कभी कोई एक भी बिल नहीं रुका। आपके सीईओ साहब को गवर्नमेंट के पार्क में रेस्टोरेंट खुलवा के दिया है। अब आपकी मर्जी है, फैसला कर लें कि आपको नवीद खान चाहिए या हाकिम खान। ऑब्वियसली आप सर, आप मेरे कहने का मकसद ये था सर कि
इस हद तक जाने की जरूरत क्या है? हुकूमत बदनाम होगी और आजादी सहाफत का इशू भी निकल आएगा सर। तो नहीं बनने देना। मिशाल से शो करवाएं, उसके बाद सोशल मीडिया पे शोर मचाएं, बस एक दिन के लिए आप उसकी हाइप क्रिएट करें, माहौल बनाएं और हम उसको गिरफ्तार कर लेंगे। इस दफा हमने ना तो किसी को संभलने का मौका देना है और ना भागने का। सीओ साहब से पूछना पड़ेगा सर। अच्छा करें ना, फोन करें। वेरी बात है सर। तानिया खान के ऑफिस में जो छापा पड़ा था, आज का प्रोग्राम हम उस पे करेंगे। नवीद खान की बीवी तानिया खान, हम सब जानते हैं कि नवीद खान 24/7 है। क्या चैनल की पॉलिसी इस बात की इजाजत देती है? नवीद खान 24/7 था, मैं हूँ, I am the policy। लेकिन तानिया पे प्रोग्राम करना क्या ये अच्छी एडिटोरियल जजमेंट होगी? तानिया पे प्रोग्राम ना करना क्या एक अच्छी एडिटोरियल जजमेंट है? आप लोग शायद बिटवीन द लाइंस नहीं पढ़ रहे। वो क्या है जो हम पढ़ नहीं रहे? सर मुझे लगता है हम किसी सियासतदान का काम आसान बना रहे हैं। आज हम नवीद के खिलाफ कर रहे हैं, कल को वो हमारे खिलाफ भी हो सकता है। लेकिन हुसैन हमारा काम वॉश डॉग का है, अगर कोई गलत काम कर रहा है तो दे आर आंसरेबल। पर इस वॉश डॉग पे कौन नजर रखेगा? इनफ। इसका इंट्रो लिखो, एड्रेस बनाओ और एक घंटे में यह सब कुछ मुझे मेरी टेबल पे चाहिए। इज इट लाउड एंड क्लियर? थैंक यू। ये है वो कागजात जो तानिया जमान के ऑफिस से कब्जे में लिए गए, सबके सब बोगस और फेक बिल्स। इससे ये साफ जाहिर होता है कि करप्शन की जड़ें कहां तक और कितनी गहरी। हेलो, कहां हो यार? तुम्हारा चैनल हमारे खिलाफ प्रोग्राम कर रहा है। क्या, कौन कर रहा है ये प्रोग्राम? यार ये मिशाल कर रही है, तुम किधर हो? बंद करवाओ इसे। अच्छा ओके ठीक है, मैं देखता हूँ, तुम फोन रखो। तुम दोनों से ज्यादा घटिया शख्स आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मैंने तुम्हें और तुम्हारी इस लैपालक को अगर मैंने धूल ना चटवाई तो मेरा नाम बदल देना। तमीज? कौन सी तमीज? तुमने कभी तमीज की है? हट जाओ सामने से, तुम नहीं जानते तुम इनके हाथों में खेल रहे हो और मैं आज इसे नहीं छोड़ूंगा। हट जाओ, छोड़ दो, मैं इन दोनों को नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। विशाल ठीक हो? अंदर ऑफिस में आ जा। आप बैठो आराम से। शार ठीक हो? हाँ
मैं पानी पियो। शांत थोड़ा सा पानी प्लीज प्लीज स्पाइक। मेरी तरफ देखो शांत, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, रिलैक्स। रिजाइन कर दिया है। नवीद खान ने 24/7 से रिजाइन कर दिया है। He was an intelligent man, इसलिए रिजाइन कर गया, वरना टर्मिनेशन लेटर तो पड़ा हुआ था। सर, सर हाकिम खान साहब बात करना चाह रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? सुनाइए, आपका वो रेस्टोरेंट शुरू हो गया? बस खान साहब, एक दो माह में शुरू हो जाएगा, इफ्तिताह तो आपने ही करना है। हम तो फीता काटने के लिए तैयार बैठे हैं जनाब, लेकिन लेकिन क्या सर? उससे पहले आपको एक पत्ता काटना होगा। मैं समझा नहीं सर। नवीद खान की बीवी की करप्शन की खबर आपका चैनल नहीं चला रहा, ना ही उस पर कोई प्रोग्राम कर रहा। अजमा साहब से कहा है तो वो कहते हैं कि दिक्कत होगी। हमने कहा कि जनाब, हमने तो पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के कवानीन बदल के रख लिए और आप कहते हैं दिक्कत होगी। सर मुझे मुझे सोचने का मौका दीजिए। हाँ सोचिए, और मीनवाइल मैं फीता काटने वाली कैंची तेज करवाने का ऑर्डर देता हूँ। जी बेहतर सर, मैं आपको कॉल करके बताता हूँ। ठीक हो गया सर, और ठीक हो गई, थैंक यू। लोगों को ऑफर करवाता करवाता आज खुद काम से गए। ऐसे कितनी बुरी हुई है ना इसके साथ। नवीद खान माय फुट। वैसे थैंक्स टू हाकिम खान, कि उसने बड़ी हेल्प की है हमारी, और वैसे भी चैनल के मफाद में ऐसे कई नवीद खान कुर्बान। क्या मतलब इस बात का? वो कहने का मतलब यह है कि अगर हाकिम खान इंक्वायरी ना करवाता तो नौबत यहां तक ना पहुंचती, क्यों मिशाल? हाँ ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। एक्सक्यूज मी, सामने सर। थैंक यू सर, ग्रेटफुल सर, आई एम रियली ऑनर्ड जी। थैंक यू वेरी मच सर। क्या हुआ इतनी एक्साइटमेंट? फॉलो मी, आ जाओ।
अब इस चैनल का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मैं हूं। मुझे कहता था कि मैं अपने प्रोग्राम का टॉपिक किसी के साथ डिस्कस नहीं करूं। द नवीद खान आपको बहुत मुबारक हो आज़म, अब तो एक पार्टी बनती है। पार्टी तो बिल्कुल बनती है, और वैसे मैं एक बात सोच रहा था कि जब से तुम आई हो सब कुछ अच्छा अच्छा ही हो रहा है। यू माय लकी चार्म। और ये कल तस्वीर भी चेंज करवानी है मैंने। लेट्स कम बैक टू वर्क। आई नो यू आर अ स्टार एंड यू विल ऑलवेज बी अ स्टार। अब हमें ज्यादा मेहनत से काम करना है। एंड आई नो यू कैन डू एनीथिंग यू वांट। इंशाल्लाह। एंड वी विल डू इट टुगेदर। हियर वी गो। तानिया, तानिया, तुम जल्दी से अपनी पैकिंग शुरू करो, तुम्हें कल तक यहाँ से निकलना है, जल्दी। कहाँ निकलना है? तुम घबराए हुए क्यों हो इतना? मेरे सोर्स ने मुझे मैसेज किया है, हाकिम खान ने तैयारी कर ली है और मेरी सिक्स सेंस भी यही कह रही है कि कुछ होने वाला है। क्या बोले जा रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हें करप्शन के रेफरेंस में कल या परसों तक गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इसलिए कह रहा हूँ। मगर कैसे? देखो परेशान, मैं तुम्हारा टिकट अभी बुक करवा। लेकिन मैं इतनी जल्दी कहाँ जाऊंगी? दुबई। पहले तुम दुबई जाओ, उसके बाद तुम्हारा इंग्लैंड का वीजा प्रोसेस जब होके आ जाएगा तो तुम वहाँ से इंग्लैंड चली जाना। मैं अभी शराज से बात कर रहा हूँ ताकि तुम्हारा टिकट कंफर्म हो जाए। मगर यार, ट्रस्ट मी, कुछ नहीं होगा। हाँ शराज, यार एक टिकट बुक करवाना है दुबई का। हाँ तानिया के लिए। हाँ नहीं, आज का नहीं, कल का, कल का। हाँ रात का, दिन का, कभी कभी। ठीक है, दिन का। ओके ओके बाय। कुछ नहीं होगा। तुम्हें नहीं लगता तुमने न्यूज़ ब्रेक करने में जल्दी की है? अगर हम ब्रेक ना करते हुसैन तो कोई और ब्रेक कर दे। ओह वाओ, दैट्स ग्रेट। क्या हुआ? नवीद के शो में मियां अजीज ने इंक्वायरी का मुतालबा किया है और हाकिम खान ने मुतालबे की मंजूरी दे दी। ये ब्रेकिंग है क्या? ये देख, रोशन का भी अभी मैसेज आया। ये ब्रेकिंग तो मैं ही दूंगी। विशाल, फिर एक व्हाट्सएप की ब्रेकिंग न्यूज। हुसैन, आई थिंक अभी हमें इस टॉपिक के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, अभी ब्रेकिंग देनी है ना? यही कि हमारा प्रोग्राम 8:56 पे खत्म। 9 बजे हम ब्रेकिंग न्यूज के साथ और विजुअल्स के साथ इन होते हैं। उन 4 मिनट में किस तरह सारे मुजाहिरीन जगह पे पहुंच गए और DSNG भी ट्यून हो गई। Like it. ये सब कुछ बड़ी प्लानिंग के साथ फिक्स किया गया।
तानिया के बाहर जाने की इंफॉर्मेशन मुझे क्यों दे रहे हो? अजमल साहब, जब जहाज डूबता है ना तो सबसे पहले जुए भागते हैं, और वैसे भी नवीद ने मेरे और आबिद के साथ कोई अच्छी नहीं की। ये सब कुछ हमने उसके कहने पे किया था। मुझसे क्या चाहते हो? मेरी इस चैनल पे नौकरी और आबिद के केस रफा दबा, बस। ये सब कुछ तो नवीद भी तुम्हारे लिए कर सकता है। नवीद के लिए जितना काम करना था कर लिया। छोटी सी मुसीबत थी और उसने हमें सदका समझ के सर से उतार दिया। कल को कोई बड़ी मुसीबत खड़ी होगी तो ये तो हमें ज़बा करा देगा। तुझे नौकरी पे तो मैं वापस रख सकता हूँ, आबिद का ज़रा मुश्किल हो जाएगा मिशाल की वजह से। आप सब कुछ कर सकते हैं अजमत साहब, और ऐसे भी मैं आपके लिए बहुत बड़ा रिस्क ले रहा हूँ। जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, इससे हाकिम खान को भी फ़ायदा होगा, और आप बेहतर जानते हैं इस इन्फॉर्मेशन को कब कब और कैसे कैसे कैश कराना है। अस्सलाम वालेकुम सर। क्योंकि मैं ग्रीन हूं।